नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों, प्याज के निर्यात को लेकर अभी अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप भी प्याज के किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसान भाइयों, प्याज के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अब 15 जनवरी से हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए एक नया नियम लागू होने वाला है। तो क्या है एक ऐसा नियम जो आप लोगों के लिए लागू होगा? जो भी प्याज के किसान भाई हैं अब होंगे मालामाल। कम्प्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। किसान भाइयों, इंडोनेशिया देश प्याज के निर्यात को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडोनेशिया ने मांगा है 9 लाख टन प्याज भारत से। तो अब जो है भारत में जो भी प्याज के किसान हैं अब होंगे मालामाल, क्योंकि 15 जनवरी के बाद अब प्याज के भाव बढ़ेंगे और इंडोनेशिया देश को 9 लाख टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से किसान भाइयों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो है दोबारा से प्याज के निर्यात खोले जाएंगे और इंडोनेशिया देश को 9 लाख टन का प्याज निर्यात किया जाएगा। और किसान भाइयों, इससे पहले अगर प्याज निर्यात जब से केंद्र सरकार ने बंद किया गया है तब से जो है प्याज के भाव में लगातार गिरावट जारी है। किसान भाइयों, कोई भी बढ़ोतरी हमारे किसान भाइयों को प्याज के भाव में देखने को नहीं मिल पा रही है। इसीलिए इंडोनेशिया देश ने भारत से 9 लाख टन प्याज की मांग की है। ऐसे में जो भी प्याज के किसान हैं किसान भाइयों अब होंगे मालामाल, क्योंकि अगर इंडोनेशिया देश को प्याज निर्यात होता है तो हमारे किसान भाइयों की बल्ले बल्ले है, प्याज के भाव जरूर बढ़ेंगे। किसान भाइयों, बहरहाल प्याज निर्यात बंद होने से प्याज के भाव बहुत ही कम है। हमारे किसान भाइयों में मायूसी छाई हुई है। कई किसान भाई, व्यापारी और कई नेता जो हैं केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि प्याज के निर्यात को जल्दी से जल्दी जो है आप खोल दीजिए, तभी जो है प्याज के भाव हमारे किसान भाइयों को कुछ ठीक ठाक देखने को मिल सकेंगे। बहरहाल अभी तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से प्याज के निर्यात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त नहीं की गई है कि प्याज के निर्यात इंडोनेशिया देश को कब से खोले जाएं और कब से चालू किया जाए। अगर भारत सरकार इंडोनेशिया देश को 15 जनवरी के बाद प्याज निर्यात करता है तो प्याज के भाव में हमारे किसान भाइयों की जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्याज के निर्यात और प्याज के भाव का पल पल अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में नए प्याज के भाव का पल पल अपडेट लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।